डार की तमाम तर कोशिशें नाकाम, डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को चारों शाने चट कर दिया। इंटरबैंक ने डॉलर में 2 रुपए का इजाफा कर दिया। एक अमेरिकी डॉलर 264.20 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 9 रुपए का इजाफा, 1 डॉलर 270 रुपए में फरोख्त होने लगा। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 30.11 रुपए, ओपन मार्केट में 24.50 रुपए महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होने से अवाम मजीद 3,800 अरब रुपए के मकरूज हो गए। मोटरसाइकिलें जमीन पर, कीमतें आसमान पर। सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमतों में 25,000 रुपये तक का इजाफा। GR 150 CC 25,000 रुपये महंगी, कीमत 4,10,000 रुपये हो गई। GS 150 CC 20,000 रुपये महंगी, कीमत 2,86,000 रुपये हो गई। GD 110 CC 20,000 रुपये महंगी, जबकि कीमत 2,64,000 रुपये तक पहुँच गई। नई कीमतों का इतलाक चगम फरवरी से होगा। होंडा ने भी गाड़ियों की कीमत 5.5 लाख रुपए तक बढ़ा दी। डॉलर महंगा होने से मोटरसाइकिल और गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। सरकारी निरखों में 8 सब्जियां मजीद महंगी। मार्केट में भी सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी। अदरक 450, लहसुन 420, प्याज 250, टमाटर 70 रुपए किलो तक बिकने लगे। फलों में मौसमी और किन्नू 260, केला 150 रुपए दर्जन में दस्तयाब। चिकन बदस्तूर अवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 516 रुपए किलो तक बिकने लगा। फार्मी अंडों के निरखों में इस्तेहकाम, कीमत 289 रुपए दर्जन पर बरकरार। मार्केट में एक अंडा 25 रुपए तक फरोख्त होने लगा। तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला पंजाब की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब की तायुनाती का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार दिया जाए। PTI ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में निगरान वजीर आला पंजाब को काम करने से रोकने की इस्तदा। निगरान काबीना पंजाब के 8 वज़रा को महकमे अलॉट। SM तनवीर को महकमे एनर्जी और महकमे इंडस्ट्री दे दिया गया। डॉक्टर जावेद अकरम को महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ अलॉट। इब्राहिम मुराद को महकमे बल्दियात। बिलाल अफजल को महकमे CNW। डॉक्टर जमाल नासिर को महकमे प्राइमरी हेल्थ अलॉट। मंसूर कादर को महकमे हायर एजुकेशन और महकमे स्कूल एजुकेशन दे दिया गया। सैयद अजहर अली नासिर को महकमे औकाफ। आमिर मीर को महकमा इंफॉर्मेशन अलॉट। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौकस नोटिस के बावजूद कार्बन जलाने वाली स्टील मिल्स को गिराया जाए। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां बंद की जाए। स्मोक के खिलाफ केस की समाप्त के दौरान हाईकोर्ट का हुक्म। अदालत की CTO लाहौर को ट्रैफिक का सर्वे करने की भी हिदायत। हाईकोर्ट ने माहौलियाती रूल्स से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। हमजा शहबाज की आज हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने ज़िमनी चालान 17 फरवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलज़िम अली अहमद खान किधर हैं, अदालत का इस्तफसार। वो बस पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक में लेट हो गए, वकील का बयान। अदालत का मुलज़िमान के ताखीर से आने पर इजहार बरहमी। मुलज़िम अली अहमद आइंदा तारीख पर 9 बजे ना पहुँचे तो मुचलके कैंसिल होंगे, अदालत के रिमार्क्स। मोहम्मद खान भट्टी के मुकदमात के रिकॉर्ड, नो फ्लाई लिस्ट से नाम निकलवाने की दरख्वास्त। अदालत की डायरेक्टर FIA को तफसीली जवाब दाखिल कराने की हिदायत। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इचरा में चावल के थैलों से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक उलटने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। CTO लाहौर का जायब हादसा का दौरा, ट्रैफिक की सूरत हाल का भी जायजा लिया। CTO लाहौर की फौरी रास्ता क्लियर करवाने की हिदायत। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक हादसा कार को बचाते बचाते पेश आया। ग्रीन टाउन में निजी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में बच्चे की पूरे सरार हलाकत। 13 साल शहजाद को मुर्गी के दौरे पड़ते थे। कल सुबह हालत बिगड़ने पर बच्चे को चिरन अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। निजी फाउंडेशन इंतजामिया का मौकफ। पुलिस ने बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। पोस्टमार्टम के बाद असल हकायक सामने आएंगे।
सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का नोटिस, एसपी सदर से रिपोर्ट तलब। डॉल्फिन स्क्वाड ने एटीएम हैक करने की कोशिश नाकाम बना दी। चोहर टाउन में डॉल्फिन की कार्रवाई, एटीएम हैकर गिरफ्तार, मुलजिम से हैकिंग डिवाइस और टूल्स बरामद। सिटी डिवीजन पुलिस का क्रैकडाउन, 24 घंटे में 132 मुलजिमान गिरफ्तार, 72 मफरूर और रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान भी गिरफ्तार। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अराकीन को हवालात में बंद कर दिया गया। लाहौर की फसा फिर आलूदा होने लगी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक आ गया। एम एम आलम रोड 268 AQI के साथ सर फेरिस, शाहदरा में 264, फेरोजपुर रोड 262 AQI रिकॉर्ड। और आसमान पर सूरज चमकने लगा, सर्दी की शिद्दत में भी मामूली कमी, शहर का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में हल्की बारिश की पेशगोई।